तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग एसी सर्किट्स उनकी बात करने वाले हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले जल्दी से एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हम बहुत यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे, जिनको बोलते हैं फेजर्स। भाई फेजर्स क्या होते हैं? तो हमने को पता है कि भाई एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो टाइम के साथ चेंज करती है, टाइम के साथ चेंज करती है। एक कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी और उस मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास वोल्टेज, ये हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ है और ये वाला करंट, करंट का ग्राफ है। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई इवन दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट टाइम्स पे करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है। फॉर एग्जांपल इनके मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग है, लेकिन जब मैक्सिमम वोल्टेज पहुंच रहा है उसी टाइम पे करंट भी मैक्सिमम पहुंच रहा है। सिमिलरली जब वोल्टेज हाफ पहुंचेगा तो करंट भी उसी टाइम पे हाफ पहुंचेगा, एंड सो ऑन, राइट। तो इवन दो इनकी जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों जो है हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, सिंक में हैं, यानी फेज में हैं। तो अगर कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है तो शायद फेजर की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। लेकिन जैसे हमेशा कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसके कारण रायता फैलता है, यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आएगा जिसके कारण यहाँ पे भी रायता फैलेगा। तो अगर आप देखो कि भाई वोल्टेज और करंट हमेशा फेज में, ये केस होगा जब आपके पास सर्किट में खाली रेजिस्टर है। लेकिन जरूरी थोड़ी कि आपके पास सर्किट में हमेशा रेजिस्टर ही हो, आपके पास और कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, राइट। तो उन केसेस में जो आपका वोल्टेज और करंट जो होगा वो फेज में नहीं होगा और इसके कारण मामला बिगड़ेगा, काम खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास सर्किट में रजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर और इंडक्टर भी होता है तो जो करंट होती है सर्किट में, जो करंट होती है सर्किट में वो इंडक्टर की वोल्टेज से पाई बाय टू पीछे होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पे करंट जीरो है लेकिन जो वोल्टेज इंडक्टर की वो पाई बाय टू है। सिमिलरली जो करंट होती है सर्किट में वो कैपेसिटर की वोल्टेज से पाई बाय टू आगे होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पे कैपेसिटर की वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट जो है मैक्सिमम है। तो जैसे देख सकते हैं कि भाई सारे कंपोनेंट अपने अपनी खिचड़ी पका रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपने कोई इस केस में नेट इफेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। और यहीं पे हमारे फेजर काम आते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई फेजर एक और तरीका है जिससे आप ऑसिलेटिंग क्वांटिटीज जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो और बड़ी आसानी से मैथमेटिकली हैंडल कर सकते हो, और उसका नमूना हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूज करे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे फेज डिफरेंसेस ड्रॉ किए हैं वो काफ़ी अलग है, जैसे आप जनरली बुक में देखते हो तो इसको देख के आपको लगेगा कि भाई करंट जो है वो इंडक्टर की वोल्टेज को लीड कर रही है उससे आगे, ऐसा नहीं है। ग्राफ में कहीं भी हो सकता है करंट या फिर वोल्टेज, उससे आप फेज डिफरेंस पता नहीं कर सकते। फेज डिफरेंस के लिए पता करना पड़ेगा कि भाई किसी गिवन टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम में इंडक्टर की वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है और करंट जीरो है, तो करंट पीछे है उससे पाई बाय टू से, ठीक है। तो फेजर क्या होता है उसको देखने के लिए हमारे पास एक चक्का है, चक्का लिया हमने, उस पर हमने एक ये प्राणी यहाँ पे चिपका दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेजिन करो एक स्क्रीन होगी, ठीक है, और यहाँ पे इसको आप यहाँ से लाइट फेंक रहे हो, तो लाइट फेंकोगे इस पर तो यहाँ पे इसका स्क्रीन पे इसका शेडो परछाई गिरेगी, राइट। थोड़ा मैं इसको मूव करता हूँ, अभी परछाई चेंज हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी, और मूव करता हूँ परछाई मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसको यहाँ से लाइट फेंक रहे हैं, थोड़ा और मूव करता हूँ परछाई घटना शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी, थोड़ी और काम हो जाएगी, राइट। तो परछाई चेंज हो रही है जैसे जैसे मूव कर रहा है। अब मैं क्या करूं, अगर इस चक्के को ऐसा रोटेट करना चालू कर दूं तो परछाई कैसे चेंज होगी? तो अब इस प्राणी को यहाँ पे बांध कर घुमाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो क्या करते हैं इसकी जगह हम लोग एक वेक्टर लेते हैं और इसको घुमाएंगे हम लोग, राइट। जब ये घूमेगा, जब वेक्टर घूम रहा है ये, तो ये जो ब्लू लाइन है ये है इसकी प्रोजेक्शन या फिर परछाई। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये वेक्टर घूमेगा ये परछाई जो है इसकी लेंथ जो है वो कम ज्यादा होने वाली है। तो अब जैसे जैसे हमारा वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो घूम रहा है ऐसा, मैं अगर एंगल, जिस एंगल पे ये वेक्टर है, फॉर एग्जांपल जब ये यहां पे होगा एंगल कितना होगा, जीरो होगा। जब यहां पहुंच गया फॉर एग्जांपल एंगल कितना होगा, 60 होगा। जब वेक्टर यहां पहुंचा होगा तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल और इस वेक्टर की जो परछाई है, जो प्रोजेक्शन है, उसकी हाइट, फॉर एग्जांपल जब वेक्टर यहां पे होगा तो हाइट जीरो होगी, जब वेक्टर यहां पे पहुंचा होगा तो हाइट यहां पे कहीं पे होगी, जब वेक्टर यहां पे पहुंचा होगा तो हाइट मैक्सिमम यहां पे होगी कहीं पे, राइट। तो एंगल का और इस प्रोजेक्शन का, हाइट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो अब अगर आप ये कर्व देखो तो ये कर्व क्या है, ये साइन कर्व है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी है जो साइनोसाइडली वेरी कर रही है, जैसे हमारे पास एसी है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक रोटेटिंग वेक्टर से, एक वेक्टर जो रोटेट कर रहा है, और इस रोटेटिंग वेक्टर को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेजर बोलते हैं। तो अब अगर आप इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की सोच रहे हो तो कुछ बातें ध्यान में रखने वाली। पहली बात ये कि भाई ये जो फेजर है इसका जो लेंथ, इसकी जो लेंथ होने वाली है वो किस बराबर होगी, भाई ये जो आपकी क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, वो होगा लेंथ,
इस फेजर का। दूसरी बात, कितनी तेजी से ये रोटेट कर रहा है वो डिपेंड करेगा कि भाई आपकी इस क्वांटिटी की एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो कितनी है। और तीसरी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई जो स्टार्टिंग पोजीशन आपकी फेजर की, कि भाई आपका फेजर यहां से शुरू कर रहा है या फिर किसी और पोजीशन से शुरू कर रहा है, वो बताने वाली आपको कि भाई दो साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज हैं, एक का फेजर यहां से शुरू करता है, दूसरी का यहां से शुरू करता है। जैसे देख सकते हैं कि भाई दोनों के बीच में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो है आपके फेजर की स्टार्टिंग पोजीशन, ये आपको बताने वाली है कि भाई दो क्वांटिटीज के बीच में फेज डिफरेंस वो कितना होने वाला है। तो अगर आप देखो, ये जो फेज डिफरेंस, इसने पर्सनली मेरे को बड़ा परेशान किया था। लेकिन अगर आप एक साइनोसॉइडल वेरी क्वांटिटी को एक रोटेटिंग वेक्टर की तरह इमेजिन करो और देखो कि भाई जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो बताने वाली आपको कि फेज डिफरेंस कितना होने वाला है, तो काफ़ी आसान हो जाता है इसको विजुलाइज करना, इसको समझना। एटलीस्ट इसने पर्सनली मेरे को बड़ा मदद किया था, तो होपफुली आपको भी ये मदद करेगा। तो ऐसे हमने बोला कि भाई ये जो पीक वैल्यू यहाँ पे, ये जो पीक वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, ये जो इस फेजर की लेंथ है इसके बराबर है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए किसी एक पॉइंट पे, इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी या इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए खाली आप इस फेजर का प्रोजेक्शन जो है उसकी वैल्यू पता कर लो। प्रोजेक्शन की वैल्यू निकालना आसान है। अगर मैं थीटा को ओमेगा टी लिखूं तो पीक वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी, ये होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ऐसे ही आपको करंट या फिर वोल्टेज, एसी की करंट या फिर वोल्टेज लिखी हुई मिलती है आपको, जो करंट की एक्सप्रेशन आपको मिलती है, आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम क्या है, पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी। सिमिलरली वोल्टेज की जो आपको एक्सप्रेशन मिलती है, वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम क्या है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी। तो ये कहानी थी फेजर की। अब देखते हैं कि इतना ताम जब हमने क्यों किया। तो वापस आते हैं हमारी ओरिजिनल डायग्राम पे, जहाँ हमारे पास एक सर्किट था जिसमें एक रेजिस्टर था, एक इंडक्टर था और कैपेसिटर था। जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला और नेक्स्ट वीडियोज में डिटेल में बात करेंगे कि भाई इन सर्किट में क्या होगा, जो रेजिस्टर की वोल्टेज होगी वो इंडक्टर की वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे होगी और कैपेसिटर की वोल्टेज से पाई बाई टू आगे होगी। तो अब मेरे को अगर इस सर्किट की नेट वोल्टेज निकालनी हो तो इतना आसान काम नहीं है। इस ग्राफ को यूज़ करके हम इतनी आसानी से नेट वोल्टेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर एक कंपोनेंट ने अपनी अपनी खिचड़ी पका कर रखी हुई है। लेकिन इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इन वोल्टेजेस के फेजर ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल ये रहेगा मेरे पास, ये मेरे पास VR फेजर, ठीक है। अब जो इंडक्टर की वोल्टेज है इससे पाई बाई टू आगे है तो ये होगा VL फेजर। कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो पाई बाई टू से पीछे है तो ये होगा VC का, कैपेसिटर का फेजर। तो अब यहाँ पे नेट वोल्टेज निकालना या फिर रिजल्ट निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि VL और VC क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है वो करेंगे हम लोग, और क्या बच जाएगा आपके पास, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला वेक्टर, छोटा सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर बच जाएगा। और उसके बाद आपको खाली इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्ट निकालना है। आप नॉर्मल जो वेक्टर एडिशन होती है वो करिए, आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगी। अगर आप देखो, आपने क्या किया, आपके पास कुछ क्वांटिटीज थी जो साइनोसॉइडली वेरी कर रही थी, साइन या कॉस वेव की तरह वेरी कर रही थी, और उनमें फेज डिफरेंस भी था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फेज डिफरेंस भी था। तो उनका एडिशन करना या फिर उनको जोड़ना या सब्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने उनको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करके, फेजर की तरह रिप्रेजेंट करके उनका जो जोड़ना है वो एक सिंपल वेक्टर एडिशन वो बना के रख दिया। तो जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली वो ये कि भाई इवन दो हम फेजर को वेक्टर बोल रहे हैं, एक्चुअल ट्रू वेक्टर नहीं है, जैसे हमारे पास बाकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ये वैसा वाला वेक्टर नहीं है, ये एक मैथमेटिकल एंटिटी है जो हमने खुद बनाई है ताकि हम जो क्वांटिटी साइनोसॉइडली वेरी कर रही है उनके साथ काम आसानी से कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।